पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनाव आयोग के द्वारा लगाए गए 3 दिन के चुनाव प्रचार का बैन हटने के बाद उत्तर प्रदेश की लोकसभा संसदीय सीट संभल से भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करने असमौली विधानसभा के केला देवी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए बैन से ही की। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया कि मुझ पर बैन लगाया जाता, लेकिन बजरंगबली की शक्ति से भयभीत विपक्ष ने बैन लगवा दिया। वहीं संबल से गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या आप ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो वंदे मातरम नहीं कह सकता और जो व्यक्ति भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं कर सकता। वहीं गठबंधन और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि क्या आप देशद्रोहियों, किसान विरोधी और युवा विरोधियों के हाथ में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं, या फिर देश की रक्षा करने वाले और विकास करने वालों के हाथ में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए। कहा कि भाजपा की सरकार में ऐसा करने वालों के लिए सिर्फ 2 ही जगह है, या तो जेल या फिर राम नाम सत्य। ये जो गुंडे आकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, एसिड अटैक करते थे, आज कर पाएंगे? आज नहीं कर पाएंगे। उन्हें मालूम है बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ही जगह होगी, या तो जेल या राम नाम सत्य है की यात्रा। जो लोग बजरंग बली की शक्ति से भयभीत हैं, वे लोग किस कदर बजरंग बली की जय करने में भी वे लोग कितना पीछे पड़े हैं, उन्होंने मैंने चुनावी सभा में कहा कि मेरी बजरंग बली पर विश्वास है, तो उन लोगों ने मेरे पीछे पड़ के मुझे बैन किया। लेकिन मुझे 3 दिन तक बजरंग बली की साधना करने के बाद मैं पहली बार 3 दिन के बाद आपके बीच में आया हूँ। माँ केला देवी का दर्शन करने के बाद अपने को बाबर की औलाद कहने वाला व्यक्ति भी आपके बीच में गठबंधन का प्रत्याशी बनकर आया है। आप याद करिए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, एक ही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, सपा बसपा का गठबंधन हो, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आप क्या देशद्रोहियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपने को तैयार है क्या? क्या आतंकवादियों, देशद्रोहियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? क्या विकास विरोधी लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपेंगे? युवा विरोधी, किसान विरोधी लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपेंगे? अपने को बाबर की औलाद कहने वाले व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? बजरंग बली के विरोधियों के हाथों में बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? तो फिर आपको मोदी जी का विकास पसंद है ना? मोदी जी के विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आपका विश्वास है ना?